आदर्श नगर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार भाटिया ने भी पूरी दलबल के साथ पहले पदयात्रा निकली और फिर गुलाबी बाग स्थित निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया। दिल्ली में विकास की गति पिछले निरंतर 20 साल से रुकी हुई है और जो दिल्ली 20 साल पहले मदन लाल खुराना जी के सपनों से थी वो दिल्ली आज कहीं नजर नहीं आ रही है। उसी दिल्ली को वापस बेहतर बनाना है। देखिए, फ्री का खेल हमारे से मत पूछिए, ये जनता बताएगी कि उनको क्या फ्री मिला है और क्या मोल से मिला है। फ्री की आड़ में जितना बड़ा धोखा जनता के साथ हुआ है वो जनता बताएगी। आपको वो कहानी अच्छी तरह याद होगी कि बहुत सारी भेड़ों को एक बारी बोल दिया जाता है कि एक एक कंबल मिलेगा आपको, और बाद में सबने हाँ भर दी और जब कंबल मिलने की बारी आई तो उन्हीं भेड़ों की ऊन उतार उतार के उनको छीला गया। ये फ्री का धोखा वही है। हमारा तो एक ही संकल्प है कि पूरी दिल्ली को सस्ती बिजली और सस्ता पानी मिले, लेकिन साथ में स्वच्छ पानी मिले, स्वच्छ हवा मिले, ये हमारा स्वप्न है। क्षेत्र के लिए क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे जो आप आदर्श नगर के क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उन क्षेत्र के मुद्दों उसके लिए आपको एक बारी आदर्श नगर आके देखना पड़ेगा। टूटी सड़कें अपनी कहानी खुद बयान कर देंगी, सरकारी जमीनों पे कब्जे उनके भ्रष्टाचार की कहानियां अपने आप बताएंगे, और टूटे हुए स्कूल जिसके लिए कई सौ करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए विज्ञापन के लिए केवल, वो अपनी कहानी खुद बयान करेंगे। मेरी जवानी क्यों सुन रहे हैं, मुझे तो चुनाव लड़ने दीजिए ना जी। आप जैसे सर, आखिरी सवाल, आप क्या मानते हैं कि जो संघर्ष रहेगा आम आदमी पार्टी के पवन शर्मा के साथ रहेगा या मुकेश गोयल के साथ रहेगा? ये दोनों मिल जाए उसके बाद संघर्ष की कहानी देखिए क्या होती है जी। सर, जो है ये लड़ाई है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है ये कहीं भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जो ये काम हुए हैं, केंद्र सरकार ने जो ये कार्य किए हैं, उसकी पहुंच जो है ये नीचे तक, ये जन जन तक उसकी आवाज़ है। और जो ये सामने जो पार्टियां हैं ये तो जो विघटनकारी, जो ये समाज को जो तोड़ने का जो कार्य कर रहे हैं ये उनके साथ खड़ी हुई है। आप क्षेत्र से निगम पार्षद हैं, धीरपुर वार्ड से पार्षद हैं, तो आप अभी जमीनी स्तर पर काम कर रहे होंगे, तो आपका मानना क्या है कि क्षेत्र के अंदर क्या कमियां हैं जिनकी चलते आप उनको मुद्दा बना सकते हैं? क्षेत्र के अंदर बहुत कमी है, अब भी पानी आ रहा है, प्रेशर जो बहुत कम है। धीरपुर में पानी की इतनी जो ये भारी जो ये समस्या है, पानी का प्रेशर जो बिल्कुल ही नहीं है। पहले पूरे पूरे जो दिन ये 24 घंटे जो ये पानी आता था, लेकिन अब पानी एक आध घंटे वो भी बिना मोटर के नहीं आता, और आता है तो बहुत ही ये गंदा आता है। सीवर लाइन की भी अभी ये बहुत दिक्कत है। अभी ये गांधी विहार में इतने दिन हो गए, शीला दीक्षित जी ने उसका जो है उद्घाटन ये किया था, लेकिन आज उस बात को जो है अब 5 साल हो गए, अब भी ये पूरी जो है ये सीवर लाइन और वाटर लाइन ये नहीं जो ये पड़ पाई है। तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा तो बहुत ही जो तेजी से जो विधायक वाले दिल्ली सरकार के काम है, पीडब्ल्यूडी की जो रोड हैं वो अभी जो ना उस हिसाब से ना इनक्रोचमेंट है उनमें, तो जो हमारे दिल्ली सरकार के जो कार्य होंगे, हमारा जो विधायक आएगा तो उसी तेजी से वो कार्य करेगा। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, आप भी इसी क्षेत्र से निगम पार्षद हैं आजादपुर से, आपके इधर जो मुद्दे हैं, पिछले आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, तो क्या मुद्दे रहे हैं? बहुत ही ज़्यादा परेशानी है क्षेत्र में, सड़कों की बहुत बुरी हालत है, तो जो कि लोग हमेशा हमसे बोलते हैं कि सड़कें बनवाएं, मगर जो काम उनका है विधायकों का वो बिल्कुल भी नहीं करते। पानी जो आता है इतना गंदा आता है कि उसको पी नहीं सकते, बिजली नहीं, पानी नहीं, और सड़कों का हाल बुरा हो रहा है, डिस्पेंसरीज में कोई सुविधा नहीं, अंदर से टूटी फूटी हो रही हैं, शिक्षा के लिए विद्यालयों का हाल बुरा हुआ हुआ है। मतलब इन्होंने जो इनके पास फंड आया, जो पैसा आया, वो सिर्फ उन्होंने अपने एडवर्टाइजिंग में लगाया, करोड़ों रुपए का खर्चा इन्होंने एडवर्टाइजिंग में किया। लोगों की, जनता को क्या चाहिए, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो न देकर उनको सिर्फ अपने पर ही पैसा खर्च करना सीखा है इन लोगों ने। तो मैं चाहूंगी कि अब हमारे विधायक बने, भाजपा की सरकार आए और जो भी लोगों की परेशानियां हैं वो दूर हो जल्द से जल्द। कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कहेंगे आप? देखते हैं मुकेश गोयल लंबे समय से आपके अब तो साथ ही रहे हैं, क्योंकि निगम में आप आना साना होता रहता है, तो उनके लिए क्या करेंगे, काफी समय से वो क्षेत्र में रहते हैं?
देखिए अब ये दूसरी पार्टी के कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों को पता है कौन देश हित में कार्य कर रहे हैं, कौन देश विरोधी हैं और कौन देश हित में कार्य कर रहे हैं। तो सबको पता है कि मोदी जी जो अपने देश को विश्व गुरु बनाने में लगे हुए हैं, इतनी ज़्यादा उपलब्धियाँ जो हमारी पार्टी ने की हैं और देश के लिए इतने बिल पास हुए हैं, तो वो यही कर रहे हैं कि हमारे देश का विकास हो। तो अब जनता भी जानती है, सब लोग जानते हैं कि कौन देश हित में कार्य कर रहा है। अब कांग्रेस ने और ये आम आदमी पार्टी तो देश को डुबाने में लगी हैं, तो ये मुझे लगता अभी आगे चल पाएंगी बिल्कुल भी। सर आप क्या कहना चाहेंगे, अभी नॉमिनेशन हो गया, अब चुनाव का बिगुल भी बज चुका है। ऐसा जी, मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। हम ये चाह रहे थे घड़ी, वो घड़ी आ गई कि ये जो इसकी निकम्मी जो सरकार जो दिल्ली पे राज कर रही है, लोगों को गुमराह करके बेवकूफ बना रही है, उनको हटा के और भारतीय जनता पार्टी का शासन लाए। भारतीय जनता पार्टी के पास में अभी मेरी बहन भी आपको बता के गई हैं कि ये हमारी राष्ट्रीय विचारधारा है, हम राष्ट्र के लिए, मतलब राष्ट्र पहले पार्टी बाद में और हम सबके बाद में। तो आज जो राष्ट्र का मान जो बढ़ा रही है भारतीय जनता पार्टी, आप दिल्ली में आप देख रहे हो, ये मतलब CAA के बारे में गुमराह कर रहे हैं। CAA का मुद्दा ये है, खाली हमारे जो भाई हैं जो पहले बंटवारे के टाइम पे पाकिस्तान में रह गए थे, वहाँ पे प्रताड़ित है, उनके लिए खाली हमने ये कानून बनाया कि आप आओ तो हम आपको गले लगाएंगे। इनका मतलब दुष्प्रचार ये कर रहे हैं कि देखो जी मुसलमानों को बाहर निकाल रहे हैं, मुसलमान भी हमारे भाई हैं। अभी मेरे साथ में मेरी टीम के अंदर कम से कम भी तो 100 से ऊपर मोमेंट्स भाई मेरे साथ में नामांकन में आए हुए हैं, तो मुसलमान हमसे अलग नहीं है। मतलब जो मुसलमान भारत के मुद्दों की बात करें, हाँ, तो अभी क्षेत्र के अंदर, मतलब आप लोकल हैं, आप वहाँ से, हाँ, तो क्षेत्र के मुद्दों की बात है जी। हमारे यहाँ पे विधायक पवन शर्मा जी हैं, आज मैं तो जानता हूँ क्योंकि मैं एक सीनियर कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, मुझे पता है कि क्षेत्र का विधायक कौन है। मगर वैसे आप सर्वे करोगे ना, आप तो मीडिया से हैं, तो आपको पवन जी को साथ लेकर आप घूमेंगे तो कोई आपको ये नहीं बता पाएगा कि क्षेत्र का विधायक के साथ आप घूम रहे हैं। ये तो उनकी अचीवमेंट है। बाकी ये भी हमें समझ में नहीं आ रही कि जब हम लोग सत्ता में होते हैं तो हमें ये कहता है कि आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया। पता नहीं इनके बारे में लोगों इतने हताश है, काम नहीं भी होंगे तो उनके पास करवाने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इनका बस का नहीं, उन्होंने करना कुछ है नहीं है, तुक्के से इनकी सरकार बन गई। और ये जैसा हमारा प्रजातंत्र है कि वोटों की राजनीति है, वोट से एक बार सरकार बना के 5 साल इनको सहन करना है, वो 5 साल अब खत्म हो गए हैं जिनका हमें सभी इंतजार था। और आने वाले समय BJP की सरकार बनेगी और क्षेत्र के सारे रुके हुए काम है वो भारतीय जनता पार्टी कराएगी। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और हम तो ये भी चाहते हैं कि एक बार ये बहाना भी खत्म हो जाए ना, कि कोई हमसे कहेगा कि आपने करा, हमने कहा उसने नहीं करा। अब तीनों सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ जाएगी तो कोई ये कहने वाला भी नहीं रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी काम क्यों नहीं करेगी, जोर शोर से काम करेगी और क्षेत्र की सभी समस्याओं का निदान होगा, ये मेरा कहना। जैसे कि लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी पहले चुनावी वादे जो थे वो सिर्फ फ्री फ्री के वादे हैं, लोगों में जो उम्मीदें हैं वो कम है, सिर्फ फ्री के वादों से ही आम आदमी पार्टी एक चुनाव पे चल रही है। कैमरा पर्सन करमवीर सिसोदिया के साथ मैं नवीन कुमार, सत्य केतन समाचार।